लोग मार देते, मर जा रहे, ताबे में लेने से क्या होता हो। दूसरे दिन उनकी जमानत उठी, हमको मालूम है विकल एक्ट है, विषय वो नहीं है, विषय गंभीरता है कि नहीं कुछ के गांव वालों की जान जा रही, तालुके वालों की जान जा रही। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाईवे की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरटीओ की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरटीओ की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोज अपघात, डेली अपघात, मृत तो होता है, मगाशी तर स्थानिक जनता बसली होती, गाव वगैरे जवळचे लोक, की त्यांना आश्वासन दिलं, की त्यांना सांगितलं आम्ही एनर्जी अशी पत्रव्यवहार केलेला आहे ऑलरेडी। ऐका मी काय सांगतो, तुम्ही सक्षम अधिकारी जोपर्यंत प्रांत नाही तोपर्यंत कोण प्रांत प्रांत अधिकारी प्रांत नाही माहिती तुम्ही गावाचे प्रांत नाही आहे, प्रांत नाही आहे ते, गावात प्रांत आहे का नाही, गाव प्रांत अधिकारी इथे आले पाहिजे। प्रांत अधिकारी त्यांचं काय लुकोट आहे, जाऊ द्या ना मग, तुम्हाला काय करायचं आहे, अटक करायची आम्हाला, अटक नाही करायची आम्हाला, अटक काय कायदेशीर तुम्ही जो कारवाई करणार तुम्ही करा, ट्रॅफिक आहे ना अशी, नाही 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 मी देखो बघा करा तुम्ही बघा, नाही नाही मी काहीच नाही इथेच उठणार नाही, तुम्ही काय करायचं तुम्ही मुर्दा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी आधा घंटा पहले चालीसगांव फाटा के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर एक फैमिली, एक आदमी और एक उसकी घर वाली, एक बच्चा एक्सीडेंट के अंदर एक्सपायर हो गया। दो दिन पहले अभी स्टार होटल के पास भी एक व्यक्ति और दो बच्चे जख्मी हो गए, दो बच्चे, एक व्यक्ति की जान चली गई। और आप अगर देखेंगे साल भर दो साल के अंदर, तो चौक हुल्ली से लेकर मनमाड़ा चौक हुल्ली से लेकर चालीसगांव फाटा और यहां से लेकर चिक्कलवाड़ तक, यानी हर एक दिन दो दिन गैप करके अपघात होता है, एक्सीडेंट होता है और कई लोगों की जान चली गई। अगर हम उसका रिकॉर्ड निकालेंगे तो मैं समझता हूँ कि नेशनल हाईवे नंबर 3 के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर मौत कई हुई है तो ये मालेगांव तालुके के अंदर हुई है। और इसका कारण है कि जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, जो हमारा मालेगांव तालुके का जो नेशनल हाईवे का जो एरिया है, उस एरिए के अंदर न ब्रेकर है, न ब्रेकर के ऊपर वाइट पट्टा नहीं मारा गया कलर, ना ही यहाँ पर मालेगांव शहर इतना बड़ा शहर है, लाखों की संख्या के अंदर आबादी है, वहाँ पर सर्विस रोड बनी ना, मालेगांव शहर के अंदर एंट्री करने वाले रास्ते के ऊपर इनका बोर्ड भी नहीं लगा है कि मालेगांव शहर के अंदर इस तरफ जाना है, राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, न चौपुल्ली के ऊपर आप देखो तो वहाँ पर भी बोर्ड नहीं लगा है। यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी का के ऊपर तो मेरा पूरा आरोप है, स्पष्ट आरोप है कि मालेगांव शहर और मालेगांव शहर और तालुके की जनता के साथ ये भेदभाव करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो भी प्रमुख है, तो ये आप बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे लोगों की जान बहुत अनमोल है, चाहे वो शहर के लोगों की हो, चाहे तालुके के लोगों की हो। अभी घी गांव के अंदर दो दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, लोग बहुत गुस्से में है। और यहाँ का जो प्रशासन है, मैसूल प्रशासन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एडिशनल कलेक्टर बैठते हैं,
और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रमुख जिनके ऊपर ये काम करने का जवाबदारी शासन ने निश्चित की है वो हमारे जिलाधिकारी महोदय है जो नासिक में बैठते हैं। इनकी जवाबदारी है कि ये प्रश्न जो है ये इतना गंभीर है जिससे लोगों की मौत हो जा रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आज लोगों का बहुत गुस्सा है। वो किसका एक्सीडेंट हुआ, वो मालेगांव के थे या बाहर के थे, ये विषय ये नहीं है। विषय ये है कि इंसानियत, चाहे वो कोई भी समाज का हो, चाहे कोई भी गांव का हो, चाहे कोई भी राज्य का हो, वो नागरिक है, वो हमारे देश का नागरिक है, उनकी जान चली जा रही है और प्रशासन सो रहा है, तो ये अब नहीं चलेगा। और इसके लिए आज हमने यहाँ पर आज धड़क हम बैठे हैं। अगर सक्षम अधिकारी आकर यहाँ पर हमको आश्वासन देना पड़ेगा, 2-3 दिन के अंदर काम शुरू करना पड़ेगा, और अगर 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अगर काम नहीं शुरू किया गया ब्रेकर का, पट्टे का, सर्विस रोड का, एंट्री के बोर्ड का अगर नहीं शुरू किया गया, तो जीसीबी लेकर, जेसीबी मशीन लेकर मैं खुद मालेगांव बाईपास के ऊपर नेशनल हाईवे के रास्ते को तोड़ देंगे। हम एक भी गाड़ी नहीं जाने देंगे, उस पर कार्रवाई करना है वो, पर उसके लिए भी हम तैयार है। लेकिन अगर किसी की जान हम बचा सकते हैं तो हमारे लिए बड़े गर्वों की बात होगी। और इसके लिए आज हमने इसकी शुरुआत कर दी और इसको अब अंतिम लड़ाई, आखिरी लड़ाई हमको आर और पार की लड़ना है। प्रशासन ने काम नहीं शुरू किया तो हम लोग किसी भी लेकर पूरा नेशनल हाईवे खोद डालेंगे, और नेशनल हाईवे के ऊपर भी ट्रैफिक का कोई भी परिणाम हो, इसके जवाबदार जिलाधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी रहेंगे और यहाँ का लोकल प्रशासन रहेगा। नहीं, लेकिन ये विषय के अंदर सक्षम अधिकारी ही हमको चलेगा। वही ना, आपका फेल रसिदा साहब को भी फोन कर दिया, मैं तो वो जो जान ली ना उसको वापस ला के देना से भाई। वो था जो ड्राइवर है ना, वो और उसका गाड़ी ताबे में है। अरे उससे क्या होता, लोग मार देते, मर जा रहे, ताबे में लेने से क्या होता हो, दूसरे दिन उनकी जमानत होती है। हमको मालूम है एफिकल एक्ट है, विषय वो नहीं है। विषय गंभीरता है कि नहीं कुछ, के गांव वालों की जान जा रही, तालुके वालों की जान जा रही, अभी घी गाँव वालों की एक का एक्सीडेंट हो गया। तो ये बहुत गंभीर विषय है, प्रश्न है, प्रशासन का क्या सुने नहीं जा रहा कि नेशनल अथॉरिटी ने सुन रहे नहीं। ये कोई ऐसा नहीं चलेगा, तुम बुलाओ यहाँ, तुम रिस्क मत लो, थोड़ी तुम तकलीफ उठाओ, रहन दो हमारे को आंदोलन, तुम सक्षम वाले अधिकारी को बुलाओ, तुम क्यों लोड ले रहे। निश्चित कर लिया मुझे लगता है कि लोगों की मृत्यु हो दो, लोगों को मरने दो, लोगों की कोई बात ऐसी है। अभी इससे पहले है ना, ये अंबिका होटल के पास में दो लोगों को इतना भयंकर अभी 3 लोग एक्सपायर हो गए, अभी जस्ट अभी 2 दिन पहले स्टार होटल के पास में मेडिकल से पूरा वो अभी चले गए। रोड के ऊपर हर 1-2 दिन गैप करके इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो रहा, लोग डायरेक्ट मर जा रहे हैं, है ना। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले हमारे मालेगांव तालुके के साथ, हमारे मालेगांव तालुके की जनता के साथ भेदभाव जो कर रहे हैं, इसका तुमको प्रशासन को कुछ जानू नहीं है क्या, तुमको इसका एहसास नहीं है क्या, गंभीरता नहीं है क्या। और मैं इसलिए मैसूर डिपार्टमेंट को बोल रहा, बात ध्यान रखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये कलेक्टर साहब के नेतृत्व के अंदर ही जिले का कामकाज और डिवीजन दिखती है, ये मुझे पता है, दूसरे लोगों को पता नहीं है वो अलग बात है। अभी हम आप आश्वासन देंगे कि जो ब्रेकर का विषय हमारा एक, दूसरा विषय है कि जो पट्टे मारने का वाइट 2, तीसरा विषय है कि सिर्फ यहाँ 40 गांव फाटे पे लाइट है, लेकिन पूरे यहाँ से लेकर पूरे चौबुल्ली तक सिर्फ लाइट नहीं है, पूरे रास्ते के अंदर लाइट नहीं है। सोनका फाटा हो गया, या स्टार होटल के पास के वहाँ पे लोगों का आने जाना है, या मालदा फाटे के ऊपर है, तो ये यहाँ पर लाइट नहीं है, तो वो लाइट का हो गया। तीसरा प्रश्न ब्रेकर का हो गया। चौथा प्रश्न हमारा जो शहर के अंदर जाने वाले, आप तुम नासिक से आओ, बोर्ड दिखते ही नहीं कि मालेगांव इधर से जाने का, लोग सीधा आ जाते, ये इधर मालेगांव लो, यहाँ तो दरेगांव तो इतना गंभीर परिस्थिति है कि यार लोग सीधा चले जाते, ये ना मालूम भी नहीं, और रास्ते इतना छोटा रास्ता है, और अगर कोई इधर वाला इधर टर्न मारा तो गाड़ी लेके उड़ जाता, वो बोर्ड नहीं लगे रहे। और सबसे गंभीर बात यह है, ये भेदभाव नहीं तो क्या है कि मालेगांव इतना बड़ा महानगर पालिका क्षेत्र और उसको सर्विस रोड नहीं,
सर्विस रोड लेआउट के अंदर छूटा है। आप लेआउट निकाल के देखो, सब सर्विस रोड है। अगर अतिक्रमण होगा, एंक्रोचमेंट होगा, तुम वो निकालो, वो काम शुरू करना पड़ेगा। मैं शुक्रवार तक, अगर आप बोलेंगे कि हम शुक्रवार तक ये सब काम शुरू कराएंगे तो हम यहाँ से उठ जाते, और शुक्रवार से नहीं करेंगे तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं जीसीबी लेकर नेशनल हाईवे नंबर 3 को मालेगांव बाईपास के ऊपर तोड़ डालूंगा, ये समझ लो। आप बैठो, बैठो ना, तुमको बैठने स्पीड ब्रेकर लाइट करो, वाइन पट्टी और सर्विस सर्विस स्पीड ब्रेकर का कम काम कल सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो दूसरा उसके बारे में मैं फॉलोअप लेता हूँ। नहीं नहीं, जेबरा वो बेल्ट पट्टा मारना स्पीड ब्रेकर है, लाइट का है, लाइट को उनकी इनके पास इतना, अरे ये कट में नहीं हमको ही दे रहे, यानी हम पैसे भी दे रहे लोग और जान भी दे रहे, ये कौन से धंधे है? एक काम तो मैं कल सुबह 11 बजे से आपका स्टार्ट हो जाऊँगा। एक काम से क्या होगा साहब, सर्विस रोड बाकी भी ना, जेबरा पट्टे लाइट या अपना बोर्ड, अरे ये तो 3 दिन के काम। सर्विस रोड, सर्विस रोड साहब, सर्विस रोड साहब। हाँ सर्विस रोड का तुम एक मालेगांव के अंदर भाई कहता, एक तुम्हारे कार्यालय के अंदर एक बैठक बुलाओ कि उन्हीं अली अली अर्चन होंगे तो हम उसका करेंगे ना। और लाइट 4-5 स्पॉट जो है, सोनगांव फाटा है, मालदा फाटा जो सोनगांव हुआ है, वो ये यहाँ का एक है, ये यहाँ का जहाँ से अपना दरेगांव वाला एंट्री है वहाँ पर है, तो ये लाइट लगाने में क्या उसको है? पैसे वसूल कर रहा ना, कट में थोड़ी दे रहा है सर्विस। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ना, आपके जो जो सब्जेक्ट है उनमें से एक सब्जेक्ट ब्रेकर का, वो कल मैंने उनसे बात स्पीड ब्रेकर का पता था। नहीं जो ऐसा ऐसा है, बाकी जो नहीं कल नहीं नहीं अभी अभी तुम उनको ये जो तीनों प्रश्न है कल से मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बाकी के प्रश्न के लिए प्रशासन की लापरवाही, मालेगांव में बुलाओ, मालेगांव में बुलाओ और मीटिंग लो तुम्हारे का। देखो साहब, तुम आश्वासन दे रहे हैं हमको भी यहाँ सोना नहीं है रहना नहीं है, हमको लोग प्रशासन को जगाने के वास्ते, सोयल है ना कुंभकरण की नहीं, जगाने के वास्ते बैठना पड़ा। तो मेरा ऐसा बोलना है कि हमारे आश्वासन अगर पेटाल भी दिए कल नहीं भी करें, हम आज टूट भी आएंगे शुक्रवार के बाद भी तोड़ डालू। मैं रोक तैयार हो जनता के लिए, अगर लोगों की जान बच रही है और उसके लिए कुर्बानी देना तैयार हम, तैयार है कल अगर उसको बुलाओ इधर, ठीक है कल मैं बुलाता हूँ उसको।